बफेट के और बाकी लोग जो बोलते हैं उनके प्रिंसिपल समझो, शेयर को समझने के तरीके हैं। आप हर एक शेयर को गूगल पे जाके लिखोगे ना, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो उस डिटेल में वो क्या चेक करना होता है, सबसे पहले किसी भी शेयर को अगर आप सर्च करते हो, जैसे मान लो मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया इंफोसिस, मैं लिखूंगा गूगल पे इंफोसिस, इंफोसिस की जब हिस्ट्री निकल के आएगी तो उसके बारे में सबसे पहली जो चीज मुझे चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, वॉरेन बफेट कहते हैं सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे से उसका रिसर्च करो कि वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आपको उसका ROE देखना है। ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। और ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे, रिटर्न तो अच्छा होना चाहिए, मजा आएगा तभी। तो ROE जब भी आप देखोगे, जैसे मान लो आप गूगल पे सर्च करो ROE ऑफ इंफोसिस, ROE ऑफ हिंदुस्तान लीवर, या ये UE हिंदुस्तान लीवर, आपके घरों में जो प्रोडक्ट होते हैं FMCG प्रोडक्ट, ROE ऑफ हीरो मोटर को आपको तुरंत बता देगा, जिसकी ROE हाई हो वो शेयर अच्छा है, जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, वो डेटा आपको तुरंत पता लग जाएगा, वो दिमाग भी नहीं लगाना, ना कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात, जिसकी शेयर की ROE हाई हो वो शेयर अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा देगा। तो ROE मस्ट बी हाई, फर्क नहीं पड़ता उसका फॉर्मूला क्या है, हमें क्या लेना, जब डेटा गूगल ही दे रहा है तो कंपनी की शीट निकालो, कंपनी की वेबसाइट पर चला जाओ, वहां पर भी मिल जाएगा। तो पहली चीज बोलते हैं कि ROE अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज पर आ जाओ, उसके बाद क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो भी देखना होता है। अब डेट का मतलब होता है उधार, हर इक्विटी पे उधार कितनी है। तो आप क्या चाहोगे कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर उधार अगर ज्यादा है तो वो तो बर्बाद है, वो तो मैं उधार ले रखी है, क्या पैसा लगाऊं, तू मेरा पैसा लेगा तो उधार चुकाने लग जाएगा, कल को तेरा कुछ हुआ नहीं मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए कि कंपनी की जो डेट टू रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए ज्यादा उसके ऊपर, कंपनी में उधार नहीं। कई कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो जीरो डेट पर है, कोई कर्जा नहीं है उनके ऊपर। अगर किसी कंपनी में कोई कर्जा ही नहीं है और फंडामेंटली उनके प्रॉफिट अच्छे है, वो कंपनी अच्छी है। तो आप जाके जब सर्च करोगे कि जाओ बताओ इंफोसिस का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, दैट मस्ट बी कम, दैट मस्ट बी लो, अगर वो कम है तो वो कंपनी अच्छी है। ये दूसरा फंडामेंटल है किसका, वॉरेन बफेट का। ये टेक्निकल फंडामेंटल्स है जो आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अब आप शुरू करने जा रहे हो और एक गणित पता होनी चाहिए। आप फॉर्मूला छोड़ो, आप ये याद रखना ROE हाई होना चाहिए, डेट कम होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और वो कितने में सेल करती है। मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 500 रुपए, सेल करती है 1000 रुपए, प्रॉफिट कितने का हुआ 500 रुपए का। तो प्रोडक्ट सेल माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपको प्रॉफिट की जब आप एनालिसिस करोगे किसी भी शेयर का, प्रॉफिट दिखाएगा साल दर साल कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, अगर वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, तो वहां पर पैसा लगाओगे तो सिक्योर रहोगे। 5 साल की चेक कर लो, अगर प्रॉफिट हर साल ऐसा ही आ रहा है कि पहले साल इतना था फिर इतना फिर इतना, भाई साहब कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और एक और बात, कल को कहोगे सर ये गलत डेटा भी हो सकता है, देखो पुराने जमाने में होता होगा, अब नहीं होता। सेबी बैठी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी है इंडिया में, कुछ फर्जीवाड़ा होता है तो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है, तो आजकल वो फर्जीवाड़े नहीं होते। तो आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचना कि ये तो डेटा गलत भी हो सकता है, कोई गलत डेटा नहीं देगा। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी के लिए बहुत सख्त रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर कहीं भी कंपनी डिफॉल्टी पाई जाती है, देखो एक्सेप्शन केस की बात नहीं करते, जो सजा मिलती है हर किसी को, अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो कंपनी तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाती है, वो मार्केट में काम नहीं कर पाएगी, इतने सख्त रूल है। तो आप चिंता मत करो, उसकी प्रॉफिट अच्छा होगा तो काम बढ़िया है। और इसके अलावा क्या फंडामेंटल रूल है, पॉपुलर होनी चाहिए कंपनी। जरा समझो, मैं आपको समझाता हूँ शेयर को कैसे इमेजिन करना चाहिए, कौन सा शेयर ले हम, आप बताओ, आप एक ईमानदारी से बात बताना, जब आप ब्रश करते हो बचपन से ही हम लोग क्या यूज करते आ रहे हैं, कोलगेट पेस्ट, बहुत कंपनियों के आते हैं लेकिन कोलगेट का नाम सबने सुना है, तो कोलगेट इज अ गुड कंपनी। मारुति सुजुकी पे बैठ के जाते हैं पापा, आज एवरेज और बिलो एवरेज लोगों को मारुति सुजुकी गाड़ियां अच्छी लगती हैं, इसका मतलब मारुति सुजुकी कंपनी बहुत अच्छी है, कहां कब से सुनते आ रहे हैं। SBI बैंक, भाई साहब अगर आपके पुश्तों में किसी ने अकाउंट खुलाया होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में खुलाया होगा, आज भी चलते आ रहा है, तो ऐसा बैंक बर्बाद होगा नहीं, गवर्नमेंट का बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बैंक बहुत है, लेकिन आपका भरोसा सबसे ज्यादा किस पे होगा,
प्राइवेट बैंक में बात करोगे तो HDFC, ICICI इनमें बहुत भरोसा है क्योंकि बैंक बहुत अच्छे हैं, इनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट की बात करोगे तो आपका यकीन सबसे ज्यादा किसमें होगा? SBI। अभी बैंक कहां जाएंगे? अगर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सेक्टर में किसी प्लेयर की इमेज बहुत अच्छी है, काफी लंबे टाइम से वो परफॉर्म है, वो एक प्लेयर है, लंबे समय से चलते आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो वेल नोन है ना, तो इसका मतलब वो अपने आप एक अच्छी कंपनी है। ITC, आप बताओ आप कौन से कंपनी का पेन यूज करते हो, कौन सी कंपनी की कॉपियों में लिखते हो? ज्यादातर बच्चों घर पे ITC के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ITC की कॉपियां मिल जाएंगी। कोई सिगरेट विगरेट, वैसे स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ज्यादातर स्मोकिंग के प्रोडक्ट ITC के हैं, वो टोबैको कंपनी है। बट उसके अलावा ITC के बिस्किट आते हैं, कॉपियां आती हैं, और पता नहीं ना जाने ITC के होटल्स भी हैं। ITC इतना डाइवर्स शेयर है, और ITC का शेयर कितने का है? एक शेयर 230 रुपए का। इतनी बढ़िया कंपनी है, हालांकि वो हिलता ही नहीं है, वो 180 से 250 के बीच में रहता है वो शेयर, लेकिन वो फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके डिविडेंड बड़े अच्छे होते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है अगर आपने शेयर खरीद के रखे तो हर साल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो कुछ ना कुछ पैसा देते हैं पर शेयर, तो एक तरह की कमाई है जो आपको मिलती है, समझो। तो यहां पर अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने आसपास देखो, जरा ढूंढो, कोलगेट किसका है? कोलगेट पाल्मोलिव का है ना, और हिंदुस्तान लीवर के आप इतने प्रोडक्ट यूज करते हो, FMCG कंपनी है, कहां जाएगी वो कंपनी? इतनी बढ़िया ग्रोथ रहेगी उसकी, वो आज के 10 साल पहले भी थी, 10 साल बाद भी रहेगी, क्या ऐसी कंपनी कहीं जाएगी? नहीं, समझ रहे हो? TCS, इंफोसिस, आप कोई कॉलेज का बच्चा है, कोई आपका भाई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, उसको पूछ लो, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलते हैं किधर जाना है प्राइवेट कंपनी में? इंफोसिस। आज भी इंफोसिस। किधर जाओगे? TCS। 15 साल पहले भी ये बोलते हैं TCS। किधर जाएगा बच्चा? कहाँ नौकरी कर रहा है? TCS। आप कहाँ करेगा? TCS। बच्चे की नौकरी कहाँ लग रही? विप्रो। 15 साल पहले भी ये तीन कंपनी के नाम किसी प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देख लेना, इन तीन कंपनियों के नाम बोले जाते हैं। कहाँ नौकरी लग गई है? TCS में काम करता है। कहाँ नौकरी लगी? विप्रो में नौकरी लग गई उसकी। कहाँ नौकरी लगी? इंफोसिस में नौकरी। इंफोसिस की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये तीन कंपनी के नाम आज से 20 साल पहले भी सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं, 20 साल बाद भी सुनेंगे। ये कंपनियां कहाँ जाएंगी? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तभी तो एग्जिस्ट कर रही है 20-20 साल से, 15-15 साल से, नहीं तो कौन एग्जिस्ट करता है? समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट आप लोग भी ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आसपास देखो, आप पिज्जा मंगाते हो किसका मंगाते हो? डोमिनोज का। डोमिनोज इंफो एज से, मेरे ख्याल से इंफो एज ही है, नहीं शायद एक और कंपनी है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं, अभी मैं बता दूंगा उसको लेके आऊं, नाम भूल गया हूं मैं, पर वो कंपनी डायरेक्टली ये जो पिज्जा, ये जो डोमिनोज के पिज्जा आप मंगाते हो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। आप पिज्जा मंगाते हो उससे बढ़िया उसका शेयर खरीद लो। अभी तो शेयर बहुत महंगा हो गया, लेकिन पहले बहुत सस्ता था वो शेयर। तो ऐसे जो प्रोडक्ट आप बार बार देखते हो अपने आसपास, ठीक है, आपको पता है कि हम इसको 10 साल पहले भी यूज करते थे, 10 साल बाद भी यूज करेंगे, अभी भी यूज कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, उनका शेयर खरीद लो, वो कहीं नहीं जाने वाले। आप रिसर्च करो, वॉरेन बफेट यही कहता है कि अच्छे से रिसर्च कर लो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप कितना यकीन रखते हो? अपने घर पे देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बस यही है मंत्रा, और कुछ नहीं। और जब आपको लगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें फ्लैगशिप किसके पास है, सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है, उसको पकड़ो। कोलगेट टूथपेस्ट में आप कोई भी बच्चा जानता है, आज टूथपेस्ट कोई बोलता भी नहीं है, बोलता है कोलगेट ले आना। नहीं बोलते क्या? कभी पापा को बोलो पापा कोलगेट ले आना, पापा चाहे लाए दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन कोलगेट से समझ जाएंगे कि उसको दांत घिसने के लिए पेस्ट चाहिए। टूथपेस्ट का नाम ही कोलगेट है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। चाहे मैं पेप्सोडेंट खरीद के लाऊं, लेकिन कोलगेट के नाम से समझ आए पापा कोलगेट ले आना, हाँ कोलगेट, अच्छा समझ गया, तो दांत घिसने, वो समझ जाएंगे, समझ रहे हो? फ्लैगशिप है इनके पास, तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, इतने बढ़िया शेयर है।